डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 9 हाइड्रोजन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ हार्डनेस क्या है और हार्डनेस को हम किस टाइप से रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। जो हार्ड वाटर है उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, इसके बाद देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर एंड उसके बाद हम देखेंगे कि ड्रिंकिंग वाटर किस टाइप का होना चाहिए। तो आइए सीखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर अगर डिसएडवांटेजेस देखें हम तो क्या दिया है, मोर सॉप इज़ वेस्टेड इन प्रोड्यूसिंग फॉर्म वाइल वॉशिंग क्लोथ्स। जब हम हार्ड वाटर की हेल्प से हमारे क्लोथ को वॉश करेंगे यानी कि क्लोथ को धोएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा साबुन ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा और फॉर्म्स नहीं बनेंगे यानी कि झाग नहीं बनेंगे साबुन के और ना ही ठीक से हमारे कपड़े क्लीन हो पाएंगे। तो ये इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। दूसरा है यहाँ पर, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम गाउट डिसीज़। ऐसे पेशेंट जो कि गाउट डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए हार्ड वाटर काफ़ी हार्मफुल होता है। अब गाउट डिसीज़ क्या होती है वो समझ लेते हैं। तो गाउट डिसीज़ में क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, गले में एक थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, उसका शेप किस टाइप का होता है, ऐसे एच शेप होता है गले में, यहाँ पर रहती है। तो अगर किसी कारणवश हम आयोडीन का बहुत कम अमाउंट लेते हैं या आयोडीन नहीं ले पाते हैं तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ना ये स्वेल हो जाती है यानी कि फूल जाती है और ऐसे बलून शेप में चेंज हो जाती है और सामने ऐसे लटकती हुई दिखाई देती है, थोड़ी अजीब सी दिखाई देती है। अब ये जो डिसीज़ है वो आयोडीन की कमी से होती है और इसे हम कहते हैं गाउट डिसीज़। अगर किसी पेशेंट को गाउट डिसीज़ है और वो हार्ड वाटर ड्रिंक करता है तो उसके लिए ये जो हार्ड वाटर है ना वो काफ़ी हार्मफुल होता है। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर कहा है, फूड कुक्ड इन हार्ड वाटर लॉसेस इट्स टेस्ट एंड क्वालिटी कलर और टेस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी चेंज। अगर आप हार्ड वाटर में फूड को कुक करते हैं तो जो फूड है उसका टेस्ट और क्वालिटी दोनों ही चेंज हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप हार्ड वाटर में टी या कॉफ़ी बनाते हैं तो उसका जो कलर है और टेस्ट है ये भी चेंज हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट में कहा, प्रेजेंस ऑफ आयरन इन हार्ड वाटर, यानी कि हार्ड वाटर के अंदर अगर आयरन प्रेजेंट है और इस टाइप का जो हार्ड वाटर है उससे हमने कपड़ों को वॉश किया, कैसे कपड़े, ऐसे कपड़े जिनके ऊपर डाई की हुई रहती है यानी कि कलर किया हो रहता है, तो डाई किए हुए कपड़े को अगर हम आयरन कंटेनिंग हार्ड वाटर से वॉश करते हैं तो कपड़ों के ऊपर कुछ स्पॉट्स बन जाते, धब्बे बन जाते और जो कपड़े हैं वो फिर पहनने योग्य नहीं रह जाते। तो फोर्थ पॉइंट में ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ऐसे ही फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पर कहा है, व्हेन हार्ड वाटर इज़ बॉइल्ड इन अ बॉयलर अ लेयर ऑफ मिनरल साल्ट इज़ फॉर्म्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ बॉयलर, इट इज़ कॉल्ड स्केल्स। क्या कहा इसने कि अगर हार्ड वाटर को आप किसी बॉयलर यानी कि किसी यूटेंसिल में आप गर्म करते हो, बॉयल करते हो, तो हार्ड वाटर के अंदर जो भी आयंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं ना उनकी लेयर बन जाती है यूटेंसिल के ऊपर, ठीक है, यूटेंसिल के अंदर की जो वॉल है ना उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है वाइट वाइट कलर की और ये जो लेयर होती है ना वो एक तरह से इंसुलेटर होती है हीट के लिए, यानी कि हीट को ये रोकती है। अगर हम काफ़ी लंबे समय तक किसी बर्तन में पानी गर्म करते रहते हैं और उसे साफ़ नहीं करते हैं तो लगभग 1/4 इंच की यहाँ पर एक थिक मोटी सी लेयर बन जाएगी कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस की या बाइकार्बोनेट आयंस की और ये जो लेयर है वो फिर पानी को आगे बॉयल होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी, ठीक है। यहाँ पर जो हीट का कंजप्शन है वो एक तरह से 50% जो हमारा फ्यूल है वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है अगर इस टाइप की लेयर बन जाती है यूटेंसिल्स में। तो इसलिए अगर हार्ड वाटर को हम बॉयल करते हैं तो हमें टाइम टू टाइम उनको साफ़ करते रहना चाहिए जिससे कि हीट जो है वो वेस्ट ना हो और हमारा जो फ्यूल है वो बच जाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, आगे दे रखे हैं यहाँ पर डिसएडवांटेजेस, जिस टाइप से यहाँ, सॉरी, एडवांटेजेस दे रखे हैं, डिसएडवांटेजेस तो हमने पढ़ लिए।
अब जिस टाइप से यहाँ पर एडवांटेजेस है उसी टाइप से थोड़े बहुत यहाँ पर डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस दोनों ही है यहाँ पर, है ना। देखते हैं अब एडवांटेजेस में क्या कहा है। फर्स्ट पॉइंट में कहा है यहाँ पर एडवांटेजेस में, डिजोल्व मिनरल्स एंड साल्ट एड टू द टेस्ट ऑफ हार्ड वाटर, टेस्ट ऑफ सॉफ्ट वाटर इज नॉट गुड, हैंस हार्ड वाटर इज यूज्ड टू प्रिपेयर स्पेशल टाइप ऑफ हार्ड ड्रिंक्स और अदर ड्रिंक्स। क्या कहा है कि जो हार्ड वाटर होता है ना इसका टेस्ट अच्छा होता है, जो हार्ड वाटर है उसका टेस्ट अच्छा होता है और इस कारण से इस वाटर को हम डिफरेंट टाइप के जो हार्ड ड्रिंक्स होते हैं या अदर टाइप के ड्रिंक्स बनाए जाते हैं उनमें इसका यूज़ हम करते रहते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि हार्ड वाटर का टेस्ट अच्छा है इसलिए। सेकेंड पॉइंट में कहा है, इफ़ वाटर इज सप्लाइड थ्रू लेड पाइप इन सिटी देन सम लेड डिजोल्व इन सॉफ्ट वाटर। अगर हम सिटीज़ में सॉफ्ट वाटर को लेड के पाइप में से ट्रांसफ़र करवाते हैं तो जो सॉफ्ट वाटर है ना वो लेड पाइप के साथ में रिएक्शन कर लेता है और एक पॉइजनस कंपाउंड बना लेता है और इस टाइप का जो वाटर है वो ड्रिंकेबल नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति इस टाइप का जो वाटर है, पॉइजनस टाइप का जो वाटर लेड और सॉफ्ट वाटर के रिएक्शन के कारण बना है, इस टाइप का अगर हम वाटर पीते हैं तो काफ़ी पॉइजनस होता है और इससे डिफरेंट टाइप की डिसीज़ भी हो सकती है। जबकि हार्ड वाटर में इस टाइप का कोई भी पॉइजनस कंपाउंड नहीं बनता है, इसलिए भी हार्ड वाटर जो है वो यूज़फुल होता है। इसके बाद देखते हैं हम ड्रिंकिंग वाटर के यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं कि किस टाइप का ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। उससे पहले थोड़ा बहुत यहाँ पर सॉफ्ट वाटर के बारे में भी दे रखा है कि जो सॉफ्ट वाटर है वो लेबोरेटरी के अंदर जो हम टेस्ट वगैरह लगाते हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। साथ ही जो मेडिसिन्स वगैरह बनती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर या फैक्ट्री के अंदर, तो वहाँ पर भी जो सॉफ्ट वाटर है वो काफ़ी यूज़फुल होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम ड्रिंकिंग वाटर के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट शुड बी कलरलेस, ऑडरलेस, प्योर एंड ट्रांसपेरेंट। यानी कि जो वाटर हम पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो वाटर कैसा होना चाहिए? वो कलरलेस होना चाहिए, उसमें किसी भी टाइप का कलर नहीं होना चाहिए। ऑडरलेस होना चाहिए यानी कि किसी भी टाइप की स्मेल नहीं आना चाहिए। प्योर होना चाहिए यानी साफ़ होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए यानी कि उसके आर पार हम देख सकें। सेकेंड पॉइंट में कहा, इट शुड नॉट कंटेन डिजॉल्व साल्ट दैट्स आर हार्मफुल फॉर द हेल्थ सच एज नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड अमोनियम ETC। यानी कि जो ड्रिंकिंग वाटर है इसके अंदर किसी भी टाइप के हार्मफुल साल्ट्स डिजॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे नाइट्राइट होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं या अमोनिया है, तो इस टाइप के यहाँ पर साल्ट जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में डिजॉल्व नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में कहा है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। यानी कि जो वाटर है इसमें किसी टाइप के बैक्टीरिया या फिर वायरसेस जो है वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हमें बीमार कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में कहा है, ऑक्सीजन एंड अदर मिनरल्स शुड बी डिजॉल्व इन अप्रोप्रिएट अमाउंट सो दैट इट टेस्ट मेंटेन। जो हार्ड वाटर है उसके अंदर ऑक्सीजन और डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स है वो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, जिससे कि हमारी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे और वाटर का जो टेस्ट है वो भी मेंटेन रहे। फिफ्थ पॉइंट में कहा है, मिनरल्स दैट्स आर यूजफुल फॉर हेल्थ शुड बी डिजॉल्व इन अप्रोप्रिएट अमाउंट। ठीक है, जो मिनरल्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो साल्ट है या आयंस है, ये थोड़े बहुत अमाउंट में हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, तो इस टाइप के जो साल्ट या मिनरल्स है वो हमारी बॉडी में जाने चाहिए और ये हमें वाटर से ही मिलते हैं, तो इस टाइप के थोड़े बहुत यहाँ पर मिनरल्स प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट है हैवी वाटर। तो हैवी वाटर क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर, हैवी वाटर। वाटर का अगर हम फॉर्मूला देखें तो H2O होता है। ठीक है, हमें पता है कि ये जो हाइड्रोजन है इसके 3 टाइप्स के आइसोटोप्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, पहले देखे हैं हमने, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड तीसरा होता है
ट्रिटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये थ्री टाइप के आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा दूँ और इस हाइड्रोजन के स्थान पे ये जो ड्यूटेरियम टाइप का हाइड्रोजन होता है वो ले आए, यानी कि जो फॉर्मूला वो हो जाएगा D2O है, तो ये भी हाइड्रोजन, बट ये हाइड्रोजन का क्या है, हैवी वाला आइसोटोप है। ठीक है, जो डी है यानी कि ड्यूटेरियम है, इसे हम कहते हैं हैवी हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर वाटर में ये हैवी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि हैवी हाइड्रोजन ने अगर ऑक्साइड्स बनाए हैं, तो इस टाइप का जो वाटर रहेगा उसे हम कहेंगे हैवी वाटर। क्या कहेंगे इसको, हम हैवी वाटर कहेंगे। और ये जो वाटर है इसके बारे में सबसे पहले यूरे नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया था। साथ ही इन्होंने ये भी कहा था कि जो ये हैवी वाटर है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम किसी वाटर के 6000 पार्ट कर दें, मान लो एक ग्लास आपके पास वाटर है, उसको आप 6000 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, क्या करो 6000 पार्ट्स में उसे डिवाइड कर दो वन ग्लास वाटर को, तो 6000 वा जो पार्ट आएगा उसके इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होता है हैवी वाटर एक नॉर्मल वाटर के अंदर। ठीक है, मतलब बहुत ही थोड़े से अमाउंट में हमारा जो नॉर्मल वाटर है ना उसके अंदर हैवी वाटर प्रेजेंट होता है। क्या कहा है इसने कि जो हमारा नॉर्मल वाटर है उसके अंदर बहुत थोड़े अमाउंट में, यानी कि 1/ अपन लिख सकते हैं 6000 पार्ट में हैवी वाटर भी हमारे नॉर्मल वाटर में प्रेजेंट होता है। और हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या है, D2O है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।